नादरा वेरिफिकेशन आपने सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो पहला ही आपके पास जो है वो नादरा की वेबसाइट का जो है वो आपके सामने लिंक आएगा। चलिए यहां पर मैं सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ओके जी, है वो करके दिखा देता हूँ। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। जब आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर कहेगा कि आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखें। लेकिन अगर आपका ईमेल एड्रेस पासवर्ड नहीं है तो आपने क्रिएट अ न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है लोगों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है वो नंबर वन पासवर्ड के हवाले से आती है, दूसरे कोड के हवाले से। एक चीज यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है और यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना है और उसके बाद दोबारा ईमेल एड्रेस लिखना है। आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है और पासवर्ड यहाँ पे जो है जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से पासवर्ड लिखना है। जब आप अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ पर फोन नंबर लिखेंगे तो आपके फोन नंबर के ऊपर भी एक ईमेल आएगी और आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर भी। समटाइम ऐसा होता है कि जो नादरा की जो SMS सर्विस है उसमें उस वक्त इशू आ रहा होता है कि आपको ईमेल एड्रेस में या आपके मोबाइल फोन के ऊपर कोड वसूल नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल में आपने वेट कर लेना है, नेक्स्ट डे ट्राई कर लें, आपको जो है वो ईमेल और मोबाइल के ऊपर कोड आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है वो ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है, सो मैं यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो बैक टू लॉगिन के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ और लिखने के बाद यहाँ पर मुझे अपना पासवर्ड लिखना है, तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखता हूँ। पासवर्ड लिखने के बाद आपने लॉगिन के बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। ओके जी, यहाँ पर मेरे यहाँ पर इसकी टर्म एंड कंडीशंस आ गई हैं। ठीक है, आप इस टर्म एंड कंडीशंस को रीड कर सकते हैं। आई हैव रीड द एक्सेप्टेंस टर्म एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करके आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं नहीं, तो मैं अपडेट नहीं करना चाहता, मैं नॉट नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने डिफरेंट चीजें आ चुकी हैं। CNSE और NICOP कार्ड के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन यहाँ से। POC के लिए भी आप यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी आप यहाँ से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखने लिखा है ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ नादरा इशू आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट विच कैन बी CNSE, NICOP कार्ड, FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन साफ, CRC और POC। तो तमाम चीजों की यहाँ पर वेरिफिकेशन की जा सकती है। इसके लिए आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आपने NIC और POC की वेरिफिकेशन करनी है, FRC करनी है या CRC यानी चिल्ड्रन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या आपने नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड की। तो आप जिसकी भी करना चाहते हैं आप यहाँ पर स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं देखें CNSE की करना चाहता हूँ तो मैं स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप जो है वो पर वेरिफिकेशन जो है वो आपसे जो है वो ₹50 चार्ज किए जाएंगे। तो ये फ्री नहीं है, आपने अगर इसको चेक करना है तो आपको सबसे पहले क्रेडिट इसके अंदर जो है वो इंसर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप चेक कर सकेंगे। जैसे आप इसके अंदर यहाँ पर कार्ड को इंटर के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं क्रेडिट कार्ड की और पेमेंट रिजल्ट। यहाँ पर जब आपकी पेमेंट ऐड हो जाएगी, ऐड होने के बाद जो है आपके सामने इस तरह से आपके सामने जो है वो वेरिफिकेशन एप्लीकेशन डिटेल सामने आ जाएगा। आपने जिस शिनाख्ती कार्ड की इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो यहाँ पर शिनाख्ती कार्ड लिखना है। कार्ड इशू डेट आपने कोई भी लिख देनी है। लिखने के बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो है वो शिनाख्ती कार्ड जो है वो उसका CNSE आ जाएगा।